Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. In today's video, मैं हूँ एक बहुत ही luxurious place में, क्योंकि जिंदगी जस्ट को 7 साल पूरे हो गए, तो मैंने सोचा where to celebrate, कहाँ पैसे खर्च करें खूब सारे और worth it हो. तो मेरे दिमाग में आया कि let's try दाल बुखारा, जो मैंने कभी भी इधर नहीं खाई है, मेरा खुद first time है. तो जो स्टार्टर्स हैं वो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, ये सब 2,500 से 3,000 के बीच में है. तो मैंने सोचा लेट्स डू अ फिक्स्ड मेन्यू, उसमें बूफे टाइप होते हैं, अनलिमिटेड खाना होता है उसमें, तो अनलिमिटेड खाना पसंद ही मेरे को. वो है 4,500 प्लस टैक्स उसमें. देखते हैं खाना कैसा है. मैंने अभी कर दिया वो ऑर्डर और वो मैंने दोनों ने, उसमें झींगा है यानी प्रॉन्स है, चिकन है, वेज है, और एक वेज मेन्यू भी, और सेम प्राइस का है वो भी 4,500 प्लस GST. सो वी विल ट्राई इट आउट और देखते कैसा है. तो गाइस आ गया मेरा खाना 4,500 में. इतनी वैरायटी आपको मिलेगी, अब खा के देखते. सबसे पहले मैं सीख कबाब खाऊंगी, बिकॉज़ आई लव सीख कबाब. जैसे इंडिया में जनरली मिलते हैं वो काफ़ी देसी टाइप के होते हैं, यूपी स्टाइल के या हैदराबादी या थोड़े निज़ामी स्टाइल में, मेल्टन माउथ. पर ये थोड़े पेशावरी स्टाइल में, सच बताऊँ तो थोड़े पाकिस्तानी स्टाइल में जैसे बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इनके जो फ्लेवर्स हैं बहुत ही रॉ है, और जो मटन है बिल्कुल उसको बिल्कुल मिल्स नहीं कर दिया, उसको भरता नहीं बना दिया, हल्का रॉनेस है इसमें जो बहुत अच्छा फ्लेवर दे रही है ओवरऑल. तो आई रियली लाइक इट. अब करते हैं मलाई टिक्का ट्राई. पास आइए. काफ़ी सॉफ्ट. जब खाना पकता है जनरली उसे मक्खन में या तेल में करता है, इसे घी में कर रही हूँ, घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है उसमें, ऊपर से बहुत अच्छे से गार्निश करा गया और बहुत ही फ्लेवरफुल है. जनरली मुझे मलाई टिक्का अफगानी टिक्का ना पसंद आता नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ब्लैंड लगता है, पर यहाँ उन्होंने बहुत स्पाइसेस और बहुत अच्छे से डाला है, विच इज़ नॉट ओवर पावरिंग ऑल्सो, तब चिकन का फ्लेवर इन्जॉय कर पा रहे हो और टेस्ट में बहुत अच्छा है. लेट्स ट्राई झींगा. दीज आर प्रॉन्स. आपके प्रॉन्स का साइज देख रहे हो कितना बड़ा है, और टेस्ट में इतने अच्छे हैं, इतने सॉफ्ट, इतने जूसी. मेरे पैसे वसूल हो गए, मतलब मैं इतने पैसे इतना महंगा खाती हूँ, मुझे खाना नहीं पसंद आता, मैं रोज आते हैं सर. ये क्या है, आई डोंट नो, वेज है कुछ ये. ओह तो गोभी है. बकवास, मुझे समझ नया फ्लेवर क्या. खाते पनीर. आई डोंट थिंक दिस प्लेस इज फॉर वेजिटेरियन, क्योंकि मुझे पनीर भी थोड़ा ब्लैंड है. आई थिंक दिस इज भरवा आलू. इफ यू आर अ वेजिटेरियन, आई थिंक इसमें आपकी क्या गलती है यार, दे शुड इम्प्रूव इफ यू आर वेजिटेरियन एंड यू आर कमिंग हियर. आई एम रियली सॉरी फॉर यू. स्टार्टर्स सब मुझे बढ़िया नहीं लगते, पर नॉन वेज स्टार्टर्स अमेजिंग. फाड़ू है नॉन वेज स्टार्टर. ऐसे वेज है, मैं सोचा सौ से सेकंड ओपिनियन लो, वेज खा कर देखना कैसा है. ये पनीर. हाँ. पनीर तो काफी ब्लैंड है, मेरे को ये सही लगा. अच्छा लगा ये, फिर भी ठीक है, मतलब वेजिटेरियन के हिसाब से देखो तो इट्स गुड. और हमारे साइड में ना किटी पार्टी चल रही है, तो थोड़ा शोर मच रहा है. Good morning.
गया है दाल मखनी और रोटी। इनके मेन कोर्स में सिर्फ यही है, सिर्फ दाल ही है। आई विश कुछ और भी होता पर इनकी फेमस दाल है तो हम वही खाएंगे। और दो टाइप की ब्रेड्स हैं, आई थिंक और भी टाइप की ब्रेड है, आई एम नॉट श्योर। ब्रेड्स आप कितने भी खा सकते हो, दाल आप कितनी भी ले सकते हो, पर अगर मेन कोर्स में थोड़ी वैरायटी होगी तो और मज़े आ जाते हैं। पर आप खा कर देखते हैं कैसे है। ओहो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या दाल खाई है मैंने आज तक। जितने रेस्टोरेंट्स बोल रहे थे ना हमारे पास बुखारा दाल है, वो झूठ बोल रहे थे। ये दाल कुछ अलग है, उसमें कुछ तो है, कुछ तो है ऐसा जो बहुत ही क्रेजी है। बहुत मज़ा आया, लॉट्स ऑफ बटर, दैट्स इट, इट्स आई थिंक जस्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बटर। बट बटर तो घर पे भी डलता है पर इतनी टेस्टी तो नहीं बनती। तो हाफ बटर हाफ दाल एज पर मैं साइड में जो बोल रहा हूँ। ओ बहुत ही अच्छे हो। अला कार्ट में अगर आप ये ऑर्डर करोगे तो ये 1100 रुपए की है। एंड आई थिंक अगर आप सिर्फ इधर आकर ये और रोटी खाओगे तो आपका बिल आई थिंक 2500 तक आएगा। एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट, क्योंकि ऐसी दाल आपको नहीं मिलेगी। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप फिर भी ज़बरदस्ती आओ। इफ़ यू हैव सबस्टैंड इनकम, मैं हमेशा यही देखती हूँ, मैंने 7 साल बहुत मेहनत करी है, बहुत काम करा है, तो मेरे पास पैसे कि मैं आ पाई हूँ। और ये मैं इतने पैसे कमाने के बाद भी रुक रुक के खा रही, इज इट वर्थ इट, इज इट नॉट। तो देखो यार, मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगी कोई सेलिब्रेशन हो जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना ही करो। एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, द दाल मखनी हियर इज़ क्रेजी, रियली रियली गुड। अच्छा तो इसमें मक्खन बहुत है, स्लो कुकड है, इसमें घी भी है, टेस्ट में कमाल है। तो अब आ चुका है डिजर्ट में जो इंक्लूडेड था, गुलाब जामुन एंड क्या ये कुल्फी फलूदा। पहले कुल्फी फलूदा ट्राई करते हैं, ठंडी ठंडी कुल्फी है बिल्कुल ही मस्त, विद सम फलूदा। इसे क्या ये नूडल्स जैसा जो होता है फलूदा। ओहो भाई, महंगी कुल्फी की बात अलग होती है। ये कुल्फी वैसी नहीं है जैसे हम सड़क पे खाते हैं, हमारे डायरी की होती है भाई। ये महंगी कुल्फी है, मैं बता रही हूँ, इसका टेस्ट ही अलग है। इतना रिच, इतने पिस्ता डाला हुआ है, इतना अच्छा पिस्ता का फ्लेवर है, इसमें एसेंस नहीं, बहुत पिस्ता ही घोल कर डालो, बहुत ही शानदार है। तो डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस। अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ आपको तो ये भरे हुए हैं, इसके अंदर स्टफ्ड है ये, तो हम ये खा कर देखते हैं। बड़े बड़े गुलाब जामुन है, और हाँ बाय द वे अनलिमिटेड है, तो इफ़ यू हैव अ स्वीट टूथ तो आप कितनी भी कुल्फी कितने भी ये जामुन खा सकते हो। मेल्ट इन माउथ गुड। एक ये तो ना बहुत ही मीठा होता है, ये वैसा नहीं है, बहुत अच्छा बैलेंस्ड है। और जो मुझे बात अच्छी लगी यहाँ की, देखो जब इतना इंसान इतने पैसे खर्च करता है, मैं सुपर अमीर लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, तो दे वॉन्ट टू इनका पाई पाई वसूल हो, है ना। तो इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, आपके इधर पाई पाई वसूल होगी। इफ़ यू आर वेजिटेरियन, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ट्राई द दाल मखनी एंड नान। मेरे एक सब्सक्राइबर मिली थी मुझे ये, तो उसने मुझे भी टेबल पर इन्वाइट करा, तो वो खा रही थी बड़ी सी नान, तो शी वाज टेलिंग मी कि ये बहुत जल्दी सूख जाती है। तो मैं सोचा मैं बाइट लेके देखती हूँ, उसने मुझे बोला था लेने का, ठीक है मैं थोड़ी बेशरम हूँ पर मैं इतनी भी नहीं हूँ कि मैं खुद टूट पड़ूँ। तो हाँ वो ना बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि इतनी बड़ी होती है, 3-4 लोग मिलकर नहीं खा पाएंगे उसको, तो आई थिंक अवॉइड दैट। फोटो आपके लिए अच्छा है वो, पर वैसे आप नॉर्मल साइज़ की नान ही लो और दाल लो अगर आप वेज हो तो, और ये तो बहुत अच्छा। तो आई लेफ्ट रिकमेंड दिस प्लेस। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द कमेंट बटन, नहीं लाइक बटन, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम लोग को 7 साल हो गए मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में, नॉट ऑन यूट्यूब बट ऑन इंस्टाग्राम एंड जोमैटो एंड ऑल ऑफ दैट, तो 7 ईयर्स, क्वाइट अ बिग डील यार। मैं बिल्कुल बच्ची थी जब मैंने स्टार्ट करा था, तो अब देखो कितने साल हो गए, 7 साल, 7 साल लोगों की शादी टिक पाती है और मेरा बिजनेस टिक गया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।